फाइनली भाई हम उज्जैन पहुंच गए हैं और उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश में। मैं हूं फिलहाल भवानी मंडी भाई। भवानी मंडी है राजस्थान में, राजस्थान के झलावाड़ ज़िले में। भवानी मंडी के भाई जो सबसे चीज़ है ना वो है यहाँ के संतरे, और भाई यहाँ पे दो तरह के संतरे आते हैं। फिर कैसा लग रहा है बाबा की नगरी में आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन करने आए हो, घूमने आए हो? क्या दर्शन करने आए हैं? चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। हेलो, तो राम राम भाई, सारा ने स्वागत है आपका अपने चैनल वेदी व्लॉग्स में। मैं हूं आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई फिलहाल मैं खड़ा हूं न्यू दिल्ली, और भाई साहब न्यू दिल्ली का स्टेशन एक नंबर बना रखा भाई बाहर से, और जो ये है ना कैप्सूल से बना रखे हैं यहाँ जब मेट्रो से निकलते हैं। भाई टाइम हो रहा है 9:33 और हम करने अपनी जर्नी न्यू दिल्ली से एक बहुत ही स्पेशल जगह। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम जा रहे हैं उज्जैन की नगरी कालों के काल, जय श्री महाकाल। तो भाई हम जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, और वो खड़ी भाई हमारी ट्रेन, और भाई इस ट्रेन का नाम है इंदौर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसका ट्रेन नंबर है 12416 जो कि न्यू दिल्ली से चलेगी भाई रात को 9:50 पे, और सुबह उज्जैन पहुंचा देगी 8:20 पे, और इंदौर पहुंचा देती है सुबह 10 बजे। वैसे तो न्यू दिल्ली से मतलब दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन चलती है, लेकिन वो वीक में एक बार या दो बार चलती है। ये दो ट्रेन ऐसी है, एक और ट्रेन है ये, और वो ट्रेन दोनों डेली चलती है। और भाई ये कैमरे से शूट नहीं कर रहा, मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, कैमरे से शूट करूँगा वहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे कैमरे को खतरा हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? और भाई ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, तो भाई इसके जो मेन मेन स्टेशन है वो है अपना न्यू दिल्ली, फिर हजरत निज़ामुद्दीन, और मथुरा, कोटा, और फिर उज्जैन, देवास, और लास्ट है इंदौर। और दूसरी ट्रेन है भाई मालवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, वो सिर्फ नाम नाम की सुपर फास्ट है। वो न्यू दिल्ली से चलती है रात को 8:30 बजे और उज्जैन पहुँचाती है सुबह 11:30 बजे। तो देख सकते हो भाई इस ट्रेन में और उस ट्रेन में कितना डिफरेंस है, और टिकट का भी डिफरेंस है, क्योंकि जितनी लंबी आपकी राइड होगी उतनी ही लंबी आपके पैसे हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे कॉस्ट। तो हम जा रहे हैं भाई इस ट्रेन में, और हमने लिया भाई स्लीपर कोच लिया भैया, और मैंने तत्काल में कराई थी टिकट, तो वो महंगी पड़ती है भाई, क्योंकि 100, 105, 110 रुपये महंगी पड़ती है आपको। और भाई उज्जैन अगर आपको किसी भी दिन जाना है तो आपको सिर्फ इंदौर इंटरसिटी और मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ही जाना अच्छा रहेगा। उज्जैन कहाँ पड़ता है? उज्जैन पड़ता है भाई मध्य प्रदेश में, नॉर्मल सिंपल सी बात है। तो महाकाल, कालों के काल, ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वहाँ है, और ओंकारेश्वर भी है, बाबा ने चाहा तो वहाँ भी जाएंगे। तो फिर करते हैं जर्नी स्टार्ट, बने रहना भाई पूरी सीरीज में, मज़ा आएगा, बाबा के मिलके दर्शन करेंगे। न्यू दिल्ली से चली हमारी ट्रेन, और ये होता है स्टेशन ख़त्म और हमारी जर्नी स्टार्ट। जय श्री महाकाल, जय हो बोल बम, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग जेठालाल, चल चल हमें गुड नाइट। हेलो, तो वेलकम, गुड मॉर्निंग भाई। ये हमारी ट्रेन, और भाई साहब टाइम हो रहा है 6 बजे का। मैं हूँ फिलहाल भवानी मंडी भाई। भवानी मंडी है राजस्थान में, राजस्थान के झलावाड़ ज़िले में। भवानी मंडी के भाई जो सबसे फेमस चीज़ है, जैसे हमारे वहाँ पे जलेबी है ना, तो यहाँ पे जो सबसे फेमस चीज़ है ना वो है यहाँ के संतरे। और भाई यहाँ पे दो तरह के संतरे आते हैं, सर्दी में तो अंबिया संतरा, और गर्मियों में मृग संतरा। और भाई सुपरफास्ट ट्रेन है, लेट होती नहीं है, लेकिन ये इंडिया है बॉस, यहाँ लेट होना पड़ता है। ये करीब 1.25 घंटा लेट है, 4:40 का टाइम था इसका, 6 बजे पहुँचाया है इसने। और फिर भाई करते हैं अपनी जर्नी, और भाई जो आप सुबह उठोगे ना, और सुबह उठते ही जो आपको यहाँ पे व्यू दिखेगा ट्रेन से बाहर जैसे आओगे, आपको जो व्यू दिखेगा ना, जो मतलब घास पे ओस है और बिल्कुल ग्रीन घास दिख रही है, तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा देख के, यार तगड़ा व्यू है। और भाई ये मेरी मम्मी लाई थी द्वारका से, अभी गई थी, ये बैग द्वारका से लाई थी, और ये बैग टांग का यार वो फीलिंग आने लग रही, जो कि बहन का विदेश में नहीं जा रहे बड़े बड़े यू टूरिस्ट, उस टाइप की फीलिंग आने लग रही है। तो फिर करते हैं भाई अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको। और यहाँ तक हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं जर्नी 618 किलोमीटर की, रेल ने भी ऑर्डर दे दिया है, फिर चलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप बेबी। ए गाड़ी स्टार्ट कर। वेलकम बैक। तो भाई फिलहाल मैं हूँ नागदा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये उज्जैन के अंतर्गत आता है, और ये चंबल नदी पर बसा है। यहाँ से उज्जैन रह जाता है हमारा 48 किलोमीटर, और इस ट्रेन का भाई जो लास्ट स्टॉपेज है उज्जैन से पहले वो नागदा है, इससे अगला सिर्फ उज्जैन आएगा। और टाइम हो रहा है भाई 8:27 का,
सिर्फ 50 किलोमीटर रहता है मे भी शायद। एक और ट्रेन आ गई है भाई, देखो यहाँ पे ट्रेन आ गई है। और जो यहाँ पे भाई उतरते हैं ना स्टॉल पे, स्टॉल पे भाई बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें, 20-20 रुपए में दो समोसे हैं 20 के, और खमन ढोकला है, भजिया है, चाय 10 रुपए की है। देखो वो रही हमारी ट्रेन और वो रहा स्टॉल, 20-20 रुपए में भाई यहाँ सब मिल जाता है। टेस्ट का पता नहीं लेकिन हाँ दिखने में बहुत अच्छा था। और देख सकते हो भाई आप इस स्टॉल पे सब चीज़ें मिलती हैं 20-20 रुपए में, सस्ता सौदा। टेस्ट का बेरा नहीं, सौदा ठीक है बाकी सस्ता। 20 रुपए के हिसाब से भाई बहुत बढ़िया नाश्ता है, बहुत प्यारा नाश्ता है, जो भी चीज़ लोगे आप बहुत बढ़िया है सब चीज़ें। फाइनली भाई हम उज्जैन पहुंच गए हैं, और उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश में, जो कि भाई शिप्रा नदी पे बसा हुआ है। और उज्जैन भाई बहुत पुराना और बहुत ही मशहूर जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे महाकाल बाबा का जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है, वो रहा पीछे उज्जैन जंक्शन। भैया से पूछते हैं भैया को कैसा लग रहा है। हाँ जी भैया कैसा लग रहा है आपको बाबा की नगरी में आ गए। इस साइड आ जाइए क्योंकि हमारा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, हम धूप के मारे हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको बाबा की नगरी भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ आने पर बाबा के दर्शन होंगे, बहुत बढ़िया, कति मजे आ रहे हैं, कति जीसे आ रहे हैं, कति कच्चे कट रहे हैं भाई। अरे कर भाई। उज्जैन भाई महान सम्राट राजा विक्रमादित्य की राज्य की राजधानी है, और उज्जैन को कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। भाई है यहाँ से पूछते हैं कहाँ से अब आए हो भाई आप? मैं होशंगाबाद से आया हूँ। होशंगाबाद ये कहाँ? जे मध्य प्रदेश जिले में। अच्छा कितनी दूर? मध्य प्रदेश। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 250-300 किलोमीटर है। फिर कैसा लग रहा है बाबा की नगरी में आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन करने आए हो, घूमने आए हो? दर्शन करने आए हैं। अकेले आए हो फैमिली के साथ? फैमिली के साथ आए। अब जिस हिसाब के भाई बाबा की नगरी है उज्जैन, जितना नाम सुना था भाई, स्टेशन उतना अच्छा नहीं है कहीं पे, मतलब कूड़ा है, कूड़ा तो सारी जगह, देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सारी जगह कूड़ा ही कूड़ा है, गोबर कर रखा है, गायें भैंस आई कहाँ से आ, तो मेरे को ये नहीं पता चल रहा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और वही मैंने ट्रेन का मार्ग तो बता दिया, पूरा वीडियो ही दिखा दिया, रूट दिखा दिया, कैसे आ सकते हो, कौन कौन से स्टेशन है। और भाई अगर आप एरोप्लेन से आना चाहोगे तो वो भाई आपको पहले आना पड़ेगा इंदौर, वहाँ पे है महारानी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा जो कि इंदौर में पड़ता है, वहाँ से उज्जैन की दूरी रह जाती है करीबन 45 से 50 मिनट, और जो आप कवर कर सकते हो करीब यही 1.5 से 2 घंटे में। डायरेक्ट टैक्सी से भी कर सकते हो, और आपके एरोप्लेन की आपकी जहाँ आपको नज़दीक एयरपोर्ट पड़ता है वहाँ से आप टिकट करा के और आ सकते हो महाकाल बाबा की नगरी में। और हम अब यहाँ से स्टेशन से जा रहे हैं, भैया पीछे आ रहे हैं, हम स्टेशन से जा रहे हैं भाई मंदिर के पास, और यहाँ से ऑटो वाला लेगा 10 से 20 रुपये। तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भाई नहा दोगे दर्शन वर्शन करके फिर करते हैं बाबा के दर्शन। और भाई फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, बने रहिएगा इस जर्नी में, बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना।